दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र ठाकर ने आदेश जारी किए हैं कि तक्षशिला परिसर के अंदर जो छात्र छात्राएं आते हैं वे चेहरे पर नकाबबंदी बांध कर आएंगे, जो काले शीशे गाड़ी पर लगे हुए वे भी हटाए जाएंगे, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं जो छात्र बेवजह कॉलेज परिसर में घूमते हैं उस पर पाबंदी लगाई जा सके। द्वारा नगर का मास्टर प्लान जारी किया गया है, इसको लेकर आज यहाँ आपत्तियों की सुनवाई हो रही है। इसमें अपर कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव एवं ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक वीके जैन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित हैं और वे इस पर आई 400 आपत्तियों की सुनवाई कर रहे हैं। इसके निराकरण के उपरांत ही मास्टर प्लान का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। रेलवे ने बड़े जोर शोर से यात्री ट्रेनों में सफाई को करने को लेकर योजना की शुरुआत की थी। करीब 2 वर्ष पहले शुरू हुई इस योजना रतलाम में आखिर दम तोड़ गई। यहां पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, उसके बाद से करीब 150 यात्री ट्रेनों में सफाई का काम बंद हो गया है। काम बंद करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो घर चलाने की है। दूसरी तरफ रेलवे का कहना है कि चाहे जो भी हो ये ठेकेदार और उसके बीच का बात है, कर्मचारियों का काम बंद नहीं करना चाहिए। इन सबके बीच फिलहाल तो रतलाम से निकलने वाली 150 यात्री ट्रेनों में सफाई का काम बंद है और यात्रियों को गंदी ट्रेनों के बीच यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मोबाइल की रोशनी में मेयर के तीखे दिखे, लाखों के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर विवादों में रहे नगर निगम पर इन दिनों नवरात्रि मेला उत्सव को लेकर एक और विवाद सामने आ गया है। परिषद के सदस्यों और पार्षदों के तीखे आरोपों का जवाब देने के लिए मेयर खुद मेला स्थल पर पहुंचे तो अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आ गई। सांस्कृतिक भवन में न तो लाइटिंग थी और न ही सफाई के बंदोबस्त। ऐसे में मोबाइल की रोशनी में मेयर ने आयुक्त और मेला प्रभारी को तलब कर निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर इस माता के मंदिर में 21 तारीख से नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही माता के जयकारे गूंजने लगेंगे। माता के दरबार में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी मन्नत पूरी हो जाती है अपनी दुकान चढ़ाते हैं और वे 9 दिन तक यहीं रुकते हैं, 9 दिन यहीं रुकने पर उनकी जुबान वापस आ जाती है। वर्तमान में गांधी सागर बांध के पानी से मंदिर के चारों ओर तालाब सा बन गया है। योजना के अंतर्गत सोयाबीन का पंजीयन सोसाइटी केंद्र को शुरू हो गया है और रतलाम कृषि उपज मंडी स्थित सहकार संस्था धराड़ के अंतर्गत किसानों के करीब 150 पंजीयन अब तक वितरण किए जा चुके हैं और आज से पंजीयन करना भी शुरू कर दिया है ताकि किसानों को आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिल सके। हम माणा चौक स्थित रतलाम के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में आए हैं जहाँ पर कल महालक्ष्मी सहित अष्ट महालक्ष्मी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर शाम को महाआरती के बाद भजन संध्या, उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। यह रतलाम का प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दीपोत्सव के दौरान धूमधाम से 3 दिवसीय दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भक्त द्वारा अपने घर से धन धान स्वर्ण आभूषण और के साथ ही नगद राशि लाकर माता का श्रृंगार किया जाता है। एक तरफ सरकार गांव में रोजगार से रोजगार और ज़्यादा रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रतलाम सहित अन्य शहरों में मजदूर अपना खुद का श्रम बेचने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। न केवल रतलाम शहर बल्कि अन्य शहरों में भी, दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं। रतलाम के दोवत्ती चौराहे की स्थिति यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के गांव से और दूसरे जिलों से मजदूर आए हुए हैं और अपना श्रम बेच रहे हैं। ये पहला शहर है रतलाम हमारी जानकारी के अनुसार कि जहाँ गांव से मजदूर श्रम बेचने के लिए शहर में आ रहे हैं और शहर में ये स्थिति हो जाती है मजदूरों की संख्या के कारण कि यातायात भी बाधित होता है और चारों तरफ जो है मजदूरों की भीड़ आपको दिखाई देगी। हम अब बात करते हैं यहाँ गोमती चौराहे की। वर्तमान दौर में जहाँ परिवार विघटन की ओर चल रहे हैं, वैसे ही इस दौर में दवानगर एक शख्स ऐसे हैं जो लावारिस लोगों के लिए तर्पण के लिए कदम बढ़ाया है और गुरुवार को दवानगर मुक्ति धाम से उन्होंने 101 लोगों के अस्थि कलश लेकर के उनके तर्पण के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं। अभी तक
उन्होंने 1901 लोगों के तर्पण कर चुके हैं। जयपुर में गत दिवस सिंधी समाज के युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या को लेकर मंदसौर के सिंधी समाज में भी आक्रोश है। बुधवार को सिंधी समाज के कई लोगों ने गांधी चौराहा पर तहसीलदार एसके श्रीवास्तव को हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। उज्जैन में इन दिनों झाबुआ जिले की बालम ककड़ी की खासी मांग है। भादो मास के बाद आने वाली यह विशेष ककड़ी कहीं झाबुआ में उत्पन्न नहीं होती। आदिवासी लोग इसे जंगलों और वन क्षेत्र से तोड़ करके बेचने के लिए उज्जैन आते हैं और लगभग यह 180 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इन दिनों सुबह आने वाली मेमू एक्सप्रेस से बैठकर बड़ी संख्या में आदिवासी यहां आकर पालम ककड़ी बेचने आ रहे हैं। इसकी काफ़ी चाहत और मांग इस शहर में है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लगभग 15 से 20 दिनों तक यह ककड़ी बेचने के लिए आदिवासी उज्जैन पहुँचते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि हर कोई अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से गरबे सीख रहा है। बत्ते का डालने पर भी कुछ इस तरह का, यहाँ पर बच्चे से लेकर और कई उम्र के लोग गरबा सीखने आ रहे हैं। प्रोफेशनल्स हो चाहे हाउस वाइफ हो, स्कूल से भी बच्चे और कॉलेज से भी युवक युवतियाँ गरबा सीखने आ रहे हैं। इन दिनों गरबे में फोक म्यूजिक और सालसा सब तरह का म्यूजिक सुनाया गया है। इवन इन दिनों भी इंदौर नंबर वन हुआ है, उसका भी कुछ गरबे में धुन हमें सुनने को मिलेगी। शहर के नूतन स्कूल सभागार में जन शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित खंड स्तरीय कहानी उत्सव प्रतियोगिता आयोजित है। हिंदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसमें 41 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कहानियां लिखी। इस अवसर पर कई स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद थे। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन जिले भर में हो रहे हैं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निजी स्कूलों में भी कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े तवा ब्रिज पर खड़े हैं। तवा ब्रिज की सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है और पिल्लर की जो ये पुल है जो 1400 मीटर लंबा है और इसमें 55 पिलर हैं। ये काफ़ी पुराना पुल है और इसकी रेलिंग भी जगह जगह से टूट चुकी है। आज ही हमने पत्रिका में तवा ब्रिज के घटने के की खबर को प्रकाशित किया था। आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो आज से जो रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है, यहाँ पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। खानदानी को सफाई में लेकर लोगों के प्रयास लगातार जारी है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। मीटिंग के दिन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सफाई अभियान किया जा रहा है। वहाँ से मजबूत को हटा के नदी से निकालकर किनारे कर रहे हैं ताकि नदी को जल्द से जल्द स्वच्छ बनाया जाए। जिला पत्र लेखक संघ एवं संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा आज गायत्री मंदिर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य वक्ताओं द्वारा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। गुरुवार को राजघाट पुल पर पानी पहुंच गया। फिलहाल में नर्मदा का जल स्तर 127.5 है और आज यहाँ SDM पहुँचे हैं। पूरा डूब की कगार पे आ चुका है राजघाट और अब SDM यहाँ पे पुनर्वास की बातें करने आए हैं। यहाँ पे जितने विस्थापित हैं उन्होंने SDM को अपनी समस्या सुनाई है, लेकिन SDM का कहना है कि हमने सभी को लाभ दे दिया है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है हम उनको करेंगे, लेकिन आज बात यह आ रही है कि 127.5 पे पानी पहुँच चुका है। 128-129 पे पानी पूरे गाँव में फैलना चालू हो जाएगा।